नवृंद की जय। तो हम लोग हरि बोल, सभी भक्त लोग शांत हो जाइए, कृपया करके जहां पे जगह मिलता है कृपया कर बैठ जाइए, फिर जगह नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग छोटा सा भजन गाएंगे जो हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज भक्ति संदर्भ में शुभ काम करने से पहले एक प्यारा भजन गाया करते थे हमेशा। तो आइए हम सब भी गाने का प्रयास करते हैं। जय राधे माधव कुंज बिहारी, जय राधे माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधे माधव कुंज बिहारी, जय राधे माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना हरे कृष्ण। आप सबसे एक प्रश्न है, भगवान ने हाथ किनको किनको दिया है, ईमानदारी से बोलिएगा। सब लोग दिया है तो किसके लिए दिया है? भगवान के गुणगान में ताली बजाने के लिए दिया है, उनको प्रणाम करने के लिए दिया। तो अभी प्रणाम नहीं करेंगे हम, तो ताली तो कम से कम बजा सकते हैं ना, है कि नहीं? किसके लिए? जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचार, यमुना तीरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग आइए बड़े प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 ज
जय जय गुरुदेव 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तवृंद को हार्दिक स्वागत करते हैं श्री श्री राधा गिरधारी इस्कॉन मीरा रोड में और भगवान के इस प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि जो मानव तन मिला है, मानव तन मिला है केवल और केवल भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के नज़दीक जाने के लिए, भगवान के हमेशा शरणागत बने रहने के लिए ही मानव तन मिला है। यानी जितना सेवा कर सको मानव तन में ही कर सकते हो, बाकी कोई तन में होगा नहीं। तो बड़े भाग्यशाली जीव हम सब हैं कि श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे हमें अद्वितीय गुरु मिले हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम सब साक्षी बनने वाले हैं। किस बात का? 22 तारीख को क्या है? बोलिए, भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो भक्तों, परम सौभाग्य हमारा किस शुभ मुहूर्त का हमारा जीवन, हमारा मानव तन भी साक्षी बनेगा। बड़ा सौभाग्य हमारा। परंतु इस साक्षी बनने का जो मूलभूत स्वरूप है, हम जीव होने के नाते परम भगवान की जो अनुकंपा है, करुणा है, दया है, इस दया को कैसे कैसे शीघ्र अति शीघ्र, समय निकलता चला जा रहा है, काल के मुंह में हम चले जा रहे हैं, लेकिन जो भी अवकाश प्राप्त हुआ है उस अवकाश में हम भगवान के प्रति प्रेम दिखाकर और उनकी सेवा करके यहाँ से हम छुट्टी ले लें और काल के मुँह में जाने से पहले हम अपने जीवन को सफल बना दें। ये कब होगा? कब होगा? प्रश्न होता है हमारे जीवन में, प्रभु क्या करें, ये करें कि वो करें, कहाँ जाएं, कौन सा मंदिर में जाएं, कौन बाबा के पास जाएं, क्यों जीवन में इतना दुख और तकलीफ है? आप ये मत सोचिए कि हमें चालू है कि यह नेगेटिव बात से, दुख से है कि नहीं? अरे भाई, दुख से बचने के लिए तो हम लोग मंदिर में आए ना, और यहाँ भी दुख दुख बात होगा तो कहाँ जाएंगे यहाँ से? बड़ा विचित्र बात लगती है कि नहीं? तो आप सबके मन में यही बात होगी, क्या प्रभु जो उच्च आसन मिला था दुख ही दुख चालू कर दिया, अभी दुख के डर से भाग के यहाँ पे आए, फिर दुख क्यों, किस बात से? याद रखिए, क्योंकि हम मंदिर में कितने घंटा मंदिर में रहते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे वाले रविवार वाले हैं, चलो सुबह से शाम तक रविवार लाभ लेंगे, फिर कल से फिर वही ट्रेन का धक्का, फिर वही बाहर वाले का धक्का, खाना ही। अल्टीमेटम अगर देखा जाए तो हमारा जीवन 24 घंटा में लगभग 5-6 घंटा भगवान के चरणों में रहता है, बाकी बाहर के जीवन में। तो बाहर का जीवन कैसा है? दुख, जो दुखालय है, दुख का घर है, इस घर में ज़्यादा हम मन लगा के बैठे हैं,
आसक्ति अटैचमेंट हमारा है, तो भुगतना पड़ेगा। तो प्रश्न है, चलो भुगतना ही पड़ेगा, तो अब कैसे इसको संभाला जाए, कैसे हमको इसको मैनेज किया जाए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। हाँ या ना, उसकी बात चर्चा होनी चाहिए ना। तो आइए हम श्रीमद् भागवतम में चलते हैं, प्रथम स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 12 नंबर देखिए आपके सामने चर्चित है। इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण के समकक्ष, भगवान कृष्ण के समकक्ष पितामह भीष्म का देह का त्याग। किनका देह का त्याग? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का नाम कितने लोग जानते हैं? पितामह भीष्म का नाम बस। अच्छा, दूसरी बात आप बताइए कि पितामह भीष्म का नाम कितने लोग नहीं जानते हैं, वो हाथ उठाइए। पितामह भीष्म का नाम कितने लोग नहीं जानते हैं, यानी सब लोग जानते हैं कि नहीं? बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वां अध्याय, प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय के 12 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे, जो आप सबके इस पट पे लिखा हुआ है। कृपया करके मेरे बात दोहराने की कोशिश करिए। श्री सूत उवाच, अहो कष्टम महोत अन्यायम्, यदुयम् धर्मनन्दना जीवितुम् नार्थ क्लिष्टम्, विप्रधर्माच्युत आश्रयः अहो कष्टम् अहो अन्यायम्, अयोध्यम धर्मनन्दनः जीवितुम् नार्हतम् क्लिष्टम्, विप्रधर्माच्युताश्रयः अहो कष्टम् अहो अन्यायम्, यद्वयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हतं क्लिष्टम्, विप्रधर्माच्युत आश्रयः। बोलिए। माता
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। अच्छा, जब जो लोग बोले और नहीं बोले, अभी हम लोग एक साथ बोलेंगे, है कि नहीं? तो श्रील प्रभुपाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चेतन चरितामृत, जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना की है, उसमें इतना सरल बना दिया है, एक बच्चा भी, जवान भी, वृद्ध भी, सब लोग अध्ययन कर सकते हैं और उसका मनन कर सकते हैं और भगवान तक पहुंच पा सकते हैं। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, मेरे पास शब्दार्थ दोहराइए। श्री सूत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, अहो अहो कष्टम, कितना कष्ट, अहो ओहो अन्यायम, कितना अन्याय, यत क्योंकि, यूयम तुम सभी, धर्मनंदनः साक्षात धर्म के पुत्र, जीवितुम जीवित रहने के लिए, न कभी नहीं अर्थम योग्य हो, क्लिष्टम कष्ट, विप्र ब्राह्मण, धर्म धर्म, अच्युतम ईश्वर द्वारा, आश्रय सुरक्षित सुरक्षित होकर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद महाराज की। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सुत गोस्वामी राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बहुत दिव्य बातें बता रहे हैं। कौन सी बातें? कि जब पितामह भीष्म मृत्यु के कगार पर थे और बाण के सैया पे सो रहे थे, किस पे? बाण के सैया पे, इससे बड़ा कष्ट हो ही नहीं सकता संसार में। तो उस समय पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पांडव को एक बड़ी शिक्षाप्रद बातें कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेरे बात दोहराइए। भीष्म देव ने कहा, ओहो तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है, उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्री उत पद कमलं श्री गुरु नवैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्ष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कैसा फल है? तो कहते हैं गलितम फलम। कैसा फल है? गलितम समझते हैं ना, गला हुआ, पका हुआ। आप पका, पूरी तरह से पका हुआ कह रहे हैं प्रभु जी। यानी वो साक्षात आप जूस पीने जाते हैं ना, जूस, एकदम जूस तैयार है। कौन सा? श्रीमद् भागवतम है कि नहीं? तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम साक्षी बनने वाले हैं। कब? 22 तारीख को। अभी भी हम साक्षी बन रहे हैं, जन्म से अभी तक हम साक्षी बन रहे हैं। इस स्वर्ग युग में चल रहे हैं हम लोग। कौन सा युग है? अभी कलयुग तो है ही, फाइटिंग का युग तो है ही, झगड़ालू इससे दोस्त तो है ही, पर साथ साथ में क्या चल रहा है? स्वर्ण युग गोल्डन चांस है हमारे लिए। किस बात से? अच्छा, गोल्डन चांस किसके लिए है? जो अपने जीवन में एक दवाई रोज एक घूटी पी लेता है। वो दवाई क्या है? कौन सी दवाई है? तो हरेर नाम हरि का नाम। क्या है वो? हरि का नाम। प्रश्न होता है कि हरि का नाम, ये दवाई कहाँ से बनाई, कब बनाई दवाई भाई? तो ये कोटि कोटि करोड़ों साल पहले से बना हुआ है, आज की बात नहीं है, लेकिन लागू अभी हुआ है, कलयुग में भी लागू हुआ है। कौन लागू किए हैं? देखिए, दोनों हाथ दोनों भाई खड़े हैं ना, गौर और निताय भगवान की, इन्होंने लागू किया है। और इन्हीं के गुरु से परंपरा, इन्हीं के अभियान में, इन्हीं के मिशन में हम सब भी जुड़े हैं। तो हम लोग साक्षी हैं कि नहीं, सोचिए। अच्छा, साक्षी देखिए, मूर्तिमान स्वरूप में खड़े रहना ही साक्षी नहीं माना जाता है, उसके लिए कुछ करना होता है, कुछ न कुछ करना करना होता है। देखिए, आज हमारे धर्म की रक्षा करने वाले ने कितने खून खराबा किया, बलिदान दिया, कितने तपस्या किया, आज भी तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? बस सुबह रविवार को आते हैं, 10 मिनट आते हैं और बाय टाटा करके घर पे चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं पंखा चला के, फिर वही कल से धक्का खा के ऑफिस, फिर रुपया कमा के लाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वही कहानी। इसको धर्म रक्षक नहीं कहते। ये न से हाँ हो सकता है, न से हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः अगर जीवन को समझना है तो देखिए, याद रखिए, श्रीमद् भागवतम क्या है? गलितम फलम, जूस जैसा तैयार है। बस ग्लास उठाइए, उसमें डालिए और प्रेम से मुख से लगाइए, बड़े तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहिए। फिर बाकी परिवार चलाना है, समाज चलाना है, देश चलाना है, चलाइए ना, कहां कोई मना किए। परंतु कब? जब तक आपको स्पिरिचुअल ताकत नहीं आएगी, आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी, तब तक कुछ चला नहीं पाओगे। वैसे सभी कारणों के कारण, दुख का भी कारण, सुख का भी कारण, कमजोर का भी कारण और शक्तिमान का भी कारण कौन है? सबसे बड़ा शक्तिमान राधा गिरधारी जी है, राधा गिरधारी जी है। क्यों? प्रमाण। तो प्रमाण में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह
अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। क्या कह रहे हैं प्रभु आप कैसे हो, उनका परिचय बता रहे हैं आप कैसे हो, तो सत्चित आनंद हो। जो राम जी के इतनी उत्कंठा है हम सबको, 22 तारीख इंतजार कर रहे हैं, है कि नहीं, बड़ा उत्कंठा होगा सबके जीवन। आज किनके किनके जीवन उत्कंठा है 22 तारीख का दिन याद करने के लिए? बाकी लोग यहीं पे हैं क्या? अरे शर्माना किस बात के, धर्म की रक्षा के लिए भी शर्मा रहे हो आप लोग, और वो भी भगवान के चरण में रहकर। यहां 100% सुरक्षित है फिर भी हाथ नहीं उठाते, आपसे बुलवाया नहीं जा रहा है कि आप कितना दान देने वाले हो, आप यात्रा में कितना टिकट निकल के जाने वाले हो, ये कहां बाप से कही जा रही है, केवल हाथ उठाने की बात हो रही है। मैंने पहले कहा, देखो कह दिया है कि आपने भरोसा दिया है कि भगवान ने किनको किनको हाथ, अच्छा फिर से बताओ भगवान ने किनको किनको हाथ दिया है? मुझे तो दिया है, सबको दिया है, तो ये हाथ उठते रहना चाहिए पूरा लेख प्रवचन तक। हमेशा नहीं उठाऊंगा, समय समय पे, चिंता नहीं करिए। तो देखिए अभी हम सब शिक्षा प्राप्त करनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज में जाना है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है। वो कब होगा? साधु संगति से होगा ना, घर पे बैठ के होगा? हमारे स्कूल के तरफ से एवरी सेवन सेकंड 7 सेकंड में एक भगवद गीता का वितरण हो रहा है, हर सात सेकंड में। सोचिए ये भगवद गीता कितना तीव्र गति से हमारे पीछे भाग रहे, और जो आगे भाग रहे हैं ना उसको पकड़ने के लिए भगवद गीता पीछे से भाग रहे, और भाग भी जा रहे तो भक्त लोग पीछे से लेके भाग रहे। एक बार प्रभुपाद महाराज फ्लाइट में थे और अमेरिका जा रहे थे, तो आजू बाजू देखा वो बैठा हुआ टाई बाय में सूट बूट में बैठा था बड़े बिजनेस वाला। बोला गुरुदेव एक बात करूं, साधु महात्मा जी एक बात करूं। क्या? अरे आप लोग साधु महात्मा को फ्लाइट में प्लेन में चढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद महाराज ने क्या, उन्होंने क्या बात कही पता है आपको? अच्छा प्रभुपाद महाराज को कितने लोग जानते हैं? प्रभुपाद महाराज को बाकी लोग नहीं जानते हैं? तो देखिए हमारे प्रभुपाद महाराज सामने बैठे हैं, अभी तो पहचान जाएंगे, तो साक्षात बैठे हैं पहचान जाए। यही प्रभुपाद महाराज फ्लाइट में जा रहे थे तो पूछा, अरे साधु महात्मा के इतना महंगा फ्लाइट और अमेरिका में क्या काम है, और फ्लाइट से जाने क्या काम है? प्रभुपाद महाराज ने कहा कि देखो ये दुनिया भौतिक दुनिया में लोग है ना बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए फ्लाइट पकड़ना पड़ रहा है मुझे, इसलिए फ्लाइट में मैं जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। बात समझ रहे हैं? यानी साधु महात्मा हमारे पीछे क्यों पड़ते पता है? कभी बोलते ये स्कूल वाले कुछ काम धंधा नहीं किया इनको, बस ले लो भगवद गीता, ले लो भगवद गीता, आ जाओ सत्संग में, आ जाओ सत्संग में। अरे तो आपका जीवन का साक्षात्कार करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में ढालने के लिए, और आध्यात्मिक जीवन वो शक्ति है कि आप मानेंगे नहीं, उसी की चर्चा आज होने वाली है। आप शब्द देखिए क्या करें, कहां गए सब? अरे ये भी भाग गया। अच्छा नहीं, सामने रहता तो मजा आता था प्रभु, थोड़ा आनंद। अच्छा जगह बढ़ा दिए उतना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 9 नंबर अध्याय, अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण के समकक्ष पितामह भीष्म का देह का त्याग। देह समझते हैं ना, देह मतलब शरीर, आत्मा की बात नहीं हो रही है, इस शरीर की बात हो रही है। किसका त्याग कर रहे हैं? देह का त्याग। कौन करने वाले हैं? कर रहे हैं पितामह भीष्म। किनके समकक्ष? भगवान कृष्ण के समकक्ष। हम लोग के मृत्यु में तो भूत और पिशाच याद आती है कि नहीं? हाँ अच्छा प्रश्न होता है, प्रभु आपने देखा है किसी की मृत्यु में जो भूत और पिशाच बात कर रहे हो? यस प्रमाण है कि किसी के, देखो हमारे दादा दादा नाना नानी चले गए, अड़ोस पड़ोस के समाज में चले गए, देखते हैं जब उनका देह का त्याग होता है तो कभी कभी आंख फट जाती है, उसे नहीं समझेंगे। किन्हीं का देह का जब त्याग होता है ना तो मुंह से फेन गिर जाता है, किन्हीं का देह त्याग होता है तो मुंह से खून गिर जाता है,
किन्हीं का देखता टट्टी पखाना हो जाती है। क्यों? यही देखा गया है कि हमारा जीवन में इतना, जब कहते कि नहीं नहीं अभी नहीं जाने वाले, अभी नहीं जाने वाले, कौन बोलते हैं? हम जीव बोलते हैं। जब राज के दूध आते हैं ना, हमारे कर्मों के हिसाब किताब के से तैयारी करने आते हैं, तब हम कहते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, अरे अभी हमें तो अभी हमारा नया नया पोता जन्म लिया है, पोता का बर्थडे मनाना है, 2 तारीख को बर्थडे है, मनाने तो इसके बाद लेके चलना। बोलते चलना है कि नहीं चलना है? देखता है छोटा बहुत प्रयास करता है, रुक जाओ, पहचान लगाता है, वो नेताजी के पास फोन करते हैं, कहीं के और फोन करने कोशिश करते हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता है, और नहीं मानता है तो जमरा जितना सोटा मारता ना वो दूध कि देह का त्याग होता पर कैसे मुंह से खून निकल जाता है। टट्टी पकाना, पहली बात तो जब जमराज का दर्शन करते ना इतने भयंकर होते हैं ना कि वैसे ही वो प्रार्थना करने से पहले खत्म हो जाते हैं। तो देह का त्याग मतलब शरीर का त्याग होता है। शरीर हमारा भी एक क्या है? मकान है कि नहीं? ये क्या है? मकान है। इस मकान में कितना दिन के लिए आए हैं हम लोग? कुछ भाड़ा का एग्रीमेंट साइन हुआ है, भाड़े का मकान है ये भाड़े के मकान जो हम रहते हैं वो, उसी बात नहीं हो रही है, ये असली मकान है, ये भाड़े का, पर ये भी भाड़े के मकान है। अच्छा, उसमें तो 11 महीने लिखा रहता है कि 11 महीने के बाद खाली करना है, कुछ आपत्तिजनक आई तो हम सूचना देंगे, 2 महीने का नोटिस देंगे, तब खाली करना। इसमें कोई नोटिस नहीं, कोई समय तय नहीं है, वो अलग बात है, 100 साल का जीवन मिला, शरीर मिला है, लेकिन समय कब लुढ़क जाएंगे हमारा कोई पता। तो कम से कम 22 तारीख तक हम लोग साक्षी बन के रहे, है कि नहीं? 22 तारीख साक्षी जो बन गए ना, वो राम जी की जो कृपा है वो लबालब जीवन भरने वाला है, और वो 22 तारीख का हम बड़े उत्सव मनाएंगे। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान है की। हाँ, ये बात है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो एक न एक दिन हमारा एक होने वाला, क्या होने वाला है? है? देह का त्याग है कि नहीं? चलो मृत्यु नहीं बोले, मृत्यु बोलने से शरीर कांप जाता है, देह का त्याग बोले थोड़ा लगता है, देखेंगे समय आएगा तो, है कि नहीं? देह का त्याग। तो देखिए श्लोक में, अरे फिर गायब हो गए, लाए नहीं? ठीक है, अभी श्लोक में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, आप लोग तो बड़े बुद्धिमान है। कहते कि अहो कष्टम अहो अन्याय। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9 नंबर अध्याय के 12 नंबर श्लोक से आज हम चर्चा कर रहे हैं। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण के सन्मुख में होकर अपने देह की त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसके वजह से भगवान के परम भक्त होने के नाते और भगवान के दर्शन करते करते हमने शरीर का त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु हुआ कैसा, ये घटना कैसे घटी? जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध समापन हुआ। समापन होने के बाद कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण द्वारका के लिए रथ पर सवार थे और जाने ही वाले थे, सारथी को आदेश देने वाले थे कि सारथी हमारे रथ को गति दो, आगे बढ़ाओ। वैसे ही क्या हुआ, आप सब जानते कथा से कि उत्तरा माता के ऊपर बहुत तकलीफ, जीवन में ब्रह्मास्त्र लेकर उससे भगवान ने रक्षा की। सारे दृश्य को कुंती महारानी देख रही थी, लेकिन अंततः कुंती महारानी चरण आकर पकड़ लेती है गोविंद की और बोलते कन्हैया तुम मत जाओ, हे कन्हैया तुम मत जाओ। बोले बुआ बहुत अभी से राजपाट संभालना है, बहुत हमारे बच्चे बच्चे बहुत याद आ रही है, एक फोन मैसेज भी नहीं हुआ है जो तुम लोग के चक्कर में, तो मुझे जाने दो अभी। और ना कृष्ण तुम्हें नहीं जाना है, नहीं जाना है। और कुंती महारानी फफक फफक कर रोने लग जाती है और रोते रोते इतनी वृतांत करती है। एक पढ़िए, कभी अध्ययन करिएगा, कुंती महारानी का उपदेश ही बहुत लंबा चौड़ा है। अंत तक कुंती महारानी ये कहती कि प्रभु हे मेरे गोविंद, मैं उस बात के लिए रोक रही हूं, उस बात के लिए अपने जीवन में रखना चाहती हूं। किस बात के लिए? अरे बुआ जल्दी बताओ समय। मैं इस बात के लिए रोकना चाहती हूं कि प्रभु जब हमारे जीवन में आप थे, जब हमारे जीवन में आप थे तभी नाना प्रकार के क्लेश कष्ट था, लेकिन पहले कष्ट आया, बहुत नाना प्रकार कष्ट आया, हमें मारने के लिए, हमारे पति के देहांत होने के बाद हमें मारने का कितना प्रयास, नाना प्रकार का प्रयास किया गया, दर दर हम भटके हैं अपने बच्चों के साथ में, लेकिन गोविंद जब हमारे जीवन में नाना प्रकार का क्लेश दुख था तब तो आप हमारे साथ थे, हंसते हुए साथ थे, मुझे तो ये भरोसा था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन गोविंद
जब हमारे जीवन में हमारे बेटा राजा बन गया, महाराज बन गया, राज मुकुट तिलक आ गया, सब कुछ हो गया, सारी समृद्धि को प्राप्त कर लिया, हमने विष भी जता, हमारा बच्चे की उपाधि मिल गई, लेकिन जब जीवन में खुशी आ गई, सुख आ गया, तब मुझे आप छोड़कर जा रहे। ये गोविंद, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। तो बुआ क्या करूं ना, मुझे जितना दुख दिए थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा दुख मुझे प्रदान करो। कौन करें? भारतवर्ष के आदर्श नारी कुंती महारानी करेगी। ये बहुत दिव्य शिक्षा है भक्तों। हमें लगता है ना कि दुख आता तो हम जीवन में टूट जाते हैं, और जब दुख आता है तो भगवान को कोसते हैं, सुख आता है तो हम अपना कॉलर टाइट करके चलते हैं। अरे सुख आया, हमने इतना मेहनत किया, सुबह से ट्रेन में लटकता हूँ, शाम तक लटक के आता हूँ, अब तब इतना बढ़िया बैंक बैलेंस बनाया हूं, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस में घोटाला हो गया तो तूने तुम्हारा रविवार को मंदिर आता था, प्रार्थना करता था, तूने हमारा सब कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, अच्छा हुआ तो हमने किया, अब बुरा हुआ तो तूने किया। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए, धन्य है आदर्श वो नारी कुंती महारानी की, माता प्रार्थना कर रही है कि प्रभु जब हमारे जीवन में दुख थे तब तो आप मेरे साथ थे, और जब हमारे जीवन में सुख आया है तब आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, प्रभु ऐसा मत करें। और रोते रोते कुंती महारानी अपने भतीजा गोविंद का चरण पकड़ लेती है और उठती नहीं है। तो कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा वक्त और निकाल देते हैं। कृष्ण रथ से उतरते हैं, और उतरने के बाद जब जाते हैं युधिष्ठिर भैया से मिलने जाते हैं, तो देखते कि पांचों भाई बैठे हैं लेकिन बहुत शोक में बैठे हैं। किसमें? अरे अभी तो राजा बन गए, फिर किस बात का शोक भाई, फिर भी शोक में बैठे हैं। पहली बात तो गोविंद उनके हर क्षण दुख में थे, बैठे थे, साथ थे, हर पल बैठे थे उनके साथ थे, लेकिन जब सुख प्राप्त हुआ तो उस सुख के पीछे युधिष्ठिर महाराज मनन कर रहे हैं। अच्छा, मनन कौन करते मालूम? सुख और दुख के पीछे समांतर लेकर, पैरेलल लेकर चलता कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं। बाकी सबको समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले कहा ना कि सुख आया तो मैंने किया, दुख आया तो भगवान ने कर दिया। ये कौन समझ करता है? जो भगवान के नजदीक आने की कोशिश नहीं करते हैं। तो भगवान के नजदीक कौन आता है? कौन आता है? भक्त लोग आते हैं। अच्छा, भक्त कैसे बनते हैं? साधु संगति से बनते हैं। देखो जी, साधु संगति नहीं होगी ना तो आप कुछ भी कितना बड़ा डिग्री क्यों ना हो, कितनी बड़ी पदवी क्यों ना हो, कितनी बड़ी पहचान क्यों ना, आप एक इंच घिसक नहीं सकते हो, एक इंच सोच नहीं सकते हो। हाई लेवल की बातें तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए? संत लोग ने हमें बार बार आगाह करते हैं, बार बार निर्देशित करते हैं, बार बार मार्गदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि मतलब प्रभु ने कहा कि भक्त बनना। क्या उन्होंने कहा? कि भक्त जब बन जाएंगे ना तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। भगवान के भक्त जब बन जाते हैं ना, अरे दुख को तो ऐसे चुटकी बजा के भगाते, चुटकी बजा के बन के देखिए। सब आप लोग भक्ति है तभी तो प्रांगण में आए हैं, नहीं तो मीरा रोड में, बाइंदर में, पूरा एरिया में कितने भक्त को रोज जाता है मैसेज मंदिर से, आइए आइए कल लव फेस्ट का प्रोग्राम है, आइए सबके लिए प्रसादम है, बढ़िया दर्शन है, बहुत बढ़िया भक्त लोगों का मुलाकात होगी। लेकिन आते कितने लोग हैं? बस गिने चुने लोग आते हैं, कि नहीं? क्यों आए आप? गिने चुने क्यों आए? क्योंकि आप ही बड़े भाग्यशाली हैं, आप ही बड़े भाग्यशाली हैं। देखो भगवान ने स्पष्ट कर दिया भगवद गीता में, क्या हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कितने प्रकार के लोग? गिनती कराते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। पहला कौन सी बात है? आर्त। आर्त मतलब दुखी। अच्छा बताइए, नेताजी के पास कौन जाता है चिट्ठी लेके? हैं, दुखी, जो तकलीफ होता है, कुछ कंप्लेन होता है, वही जाता है ना।
तो सबसे पहले कौन जाता है? दुखी। अब जो सपोर्टर लोग हैं पावर पहचान वो तो बाद में, हमारा काम तो ऐसे एक फोन पे हो जाएगा, मैसेज से हो जाएगा। लेकिन जो लंबा लंबा चिट्ठी लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? जो एकदम अंदर तक टूट चुका है, दुखी है, वही जाता है। तो सर्वशक्तिमान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण राधा के धारी हमारे समकक्ष बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमारा दुख की चिट्ठी यहां लाना चाहिए, सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गिनती चार में से पहला गिनती कौन सी है? हा? आवाज ही नहीं आती है। चलो फिर से पूछता हूं, चलो आपके गिनती अर्थाथी में, अर्थाथी में तो धनी में कितने लोगों की गिनती है जरा बताइए। बस डर गए कि प्रभु जी डोनेशन मांग देंगे, डोनेशन मांगने लिए नहीं बैठे यहां पे, डरिए मत, ये हकीकत बातें हो रही है। अरे भाई जब इस बाउंड्री में आ गए हो, इस मैदान में आ गए, तो कुछ तो खेल खेलो। नहीं आए चुपचाप दर्शन किया, प्रसाद लिए घर पे जाकर सो गए, क्या मतलब? आए मैदान में तो कुछ लगाओ, बॉल फेंको या कुछ तो बैट पकड़ो, कुछ फील्डिंग तो कम से कम करो। तो मैं पूछ रहा था, भगवान कहते अर्जुन चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, कहां कहते हैं, कहां कहते हैं? भाईंदर में, अच्छा भगवत गीता में कहा था, पर क्षेत्र कौन सा था? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायु सवह। कहां पे? धर्म श्री राधा की धारी भगवान की जय, श्री गौर नीता भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री कृपाल महाराज की, आप सभी भक्तों की, जोर से बोलो जयकारी लगते रहना चाहिए। तभी तो उत्सव कैसे मनाएंगे बताइए ना। उत्सव मतलब ऊपर जाना। अब अभी से मन को डाउन करके रखेंगे, अभी से हम लटका रहेगा तो क्या फायदा है? 22 तारीख कैसे उत्सव मनाएंगे? सच बता ना प्रभु जी, आप तो हाँ हाँ करते रहो कम से कम। तो मैं क्या कर रहा था, देखो मैं ही भूल गया। हाँ हाँ, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, उसमें सबसे नंबर वन पहला स्थान कौन किसका है? दुखी है। और जो अपने आप को दुखी मानता है ना, जो अपने आप को गरीब मानता है ना, किस बात से गरीब मानना चाहिए? अरे 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 अरे, अभी हमारे 44 साल का उम्र निकल गया, लेकिन राधा के धारी मंदिर में पहली बार आया हूं, दुर्भाग्य है मेरा, वो सबसे बड़ा दुखी है। और इस दुखी को, इस गरीबता को, इस क्या बोलते दिन को, दिनता को स्वीकार करनी चाहिए। जो स्वीकार किया वही सबसे बड़ा बहादुर है, और वही विश्व विजेता बनता है, वही बनता है। तो जो दुखी होता है ना, देखो दुख नहीं रहेगा ना, अरे मंदिर दरवाजा छोड़ दीजिए, आप किसी को पहचानोगे नहीं, इतना सुख मदमस्त कर देता है, नहीं पहचानेंगे। कभी देख लिया, जमा के देख लिए हो कि जब आपकी पगार 10,000 थी और 1,00,000 बल बन गए ना, तो वैसे सोसाइटी में अकड़ के चलते चलते हैं लोग, आप लोग नहीं, मतलब ऐसे लोग चलते हैं अकड़ के चलते, किस बात से? अरे हमारा पैकेट गर्म है, अभी किस बात की कमी है? लेकिन उनको पता नहीं, एक चुटकी में सब खिसक जाती है। अच्छा, परमानेंट सुख किनको चाहिए? तो पहले से सब सुखी हैं, तो वो सब आज हाथ क्यों नहीं उठाते? पता नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए प्रभु जी पहला उठा कर रखे है ना, हम सबको चाहिए, बस शर्मा रहे वो अलग बात है। मैं समझता हूँ आप लोग की परिस्थिति कि शर्म हम लोग बहुत करते हैं। क्यों? अरे चोरी में शर्म है, किसी के घर जाकर चोरी करने में शर्म होता है, या किसी को आंख मारने में शर्म होना चाहिए, या किसी को छीनने में शर्म होना चाहिए, किसी साथ झूठ बोलने में शर्म होना चाहिए, भगवान के दरबार में बैठ के भी शर्माना किस बात से? तो फिर से पूछूं कि सुखी कितने लोग होना चाहते हैं? ये बात हुई ना, शर्म मत करो। तो प्रश्न था, प्रभु जी आप सुख का ठेकेदार हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक छोटा सा दास हूं जो प्रभु जी ने अधिकारी लोग ने बिठा दिया है, कितने घंटे के लिए? बस 1 घंटे के लिए, है कि नहीं? पर देखो, मैं ये कहना, मेरा कहने का आशय यह है, या भागवतम भगवत गीता भगवान के साधु संगत करने का ये आशय है कि यहाँ पे आओ तो हमेशा बिंदास रहो। कैसा रहो? बम्बई भाषा बोल रहा हूँ, क्या रहो? बिंदास रहो। और घर पे जाओ तो उदास रहो, ऐसा नहीं। मैं इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे बिंदास और घर पे उदास, तो ये क्या हो गया? गड़बड़ हुई ना, सुख और दुख, सुख और दुख। मैं इसलिए कह रहा था कि परमानेंट सुख किसको चाहिए, किनको चाहिए? तो सबको चाहिए, है कि नहीं? सबने हाथ उठाई। तो मैं ये कह रहा था कि वो प्राप्त कैसे होगा? लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है।
प्रश्न होता है कि कहीं प्रमाण है प्रभु, जल्दी बताओ प्रमाण है कि साधु का संगति करने से हमारी बहुत बड़ी सुखी जीवन हुआ है। यस, आइए क्या कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम। कब, जब गए भगवान कृष्ण, गए किसके कक्ष में, किसके जहां पे मीटिंग हो रही थी, सब लोग उदास बैठे थे। कौन? पांचों भाई पांडव। नौकर चाकर अपने पूरा घर परिवार के साथ उदास बैठे थे, जबकि अभी भी राज मुकुट सर पे आया था, विश्व विजेता बने थे, फिर भी उदास बैठे हैं। पहला तो गम था, पहला तो दुख कि भगवान गोविंद हमारे नजदीक से जाने वाले, हमें छोड़कर जाने वाले, इस गम में थे। दूसरी गम में दृष्टि डाली, महाभारत के युद्ध में देखा तो हम देखा, क्या दृष्टि डाली, तो खून खराबा के अलावा हमने कुछ किया नहीं। तीसरी बात, कितने खून खराबा, इतने देहांत के उपरांत भी, इतनी खून की नदियां बहने के बाद भी, आज भी हमारे पितामह के, जिनके गोद में हमने खेला पला पोसाया, आज हमारे पितामह बांध के सैया पे सो रहे हैं। इस बात को विचार करके, और जितना बाण के भेद पितामह भीष्म नहीं लगा था, उतनी बाण की बाण खुद खा रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज, पांचों भाई बड़े शोकाकुल थे। भगवान जैसे एंट्री करते सब सहम जाते हैं, परंतु उदासी, भगवान तो परब्रह्म हैं, कनकन में बास करने वाले हैं, भगवान ने उदासी युधिष्ठिर महाराज को देख लिया। भगवान तो ऐसे बोले, कंधे पे हाथ रख के बैठते हैं, बोलते हैं, युधिष्ठिर भैया आप लग रहे कुछ लग रहे खामोशी में हो, कुछ लग रहे उदासी में हो, चलिए चलिए काम करते हैं। क्या देखा? अच्छा, उदासी किस बात से थी? कि भाई राज मुकुट तो आया है, पहले अर्जुन का भी प्रश्न यही है, कृष्ण सबको मार कर क्या करूंगा, अपने स्वजन को मार कर ही क्या करूंगा, बताइए, राजा बनूंगा ना, राजपाट मिलेगा ना, नौकर चाकर आएंगे ना, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा ना। अरे लेकिन जब लोग रहेंगे नहीं तो गाड़ी घोड़ा बंगला कौन देखेगा? आज देखते हैं, महंगे कार से हम चलना चाहते हैं, क्यों? अरे भाई मेरा पास पैसा, मैं धनी हूं, लोग देखे ना, क्या BMW मर्सिडीज, जब लिखा रहेगा ना तो एकदम ड्राइवर के पीछे बैठने वाला तो इतना जैसे रहने दीजिए उनको, है कि उनके अपनी स्थिति में रहने दीजिए। परंतु यहां बातें क्या हो रही है, बातें हो रही कि जब सुखा कुल में थे पांच पांडव, तो क्या हुआ कि भगवान तुरंत सहयोगी बन गए उनके दुख का हरण करने के लिए, तुरंत बैठ जाते बगल में, बोलते भैया क्या आप भी न, क्या उदासी है, क्या कारण है? अरे सब कुछ, अब समृद्धि मिल गई, सब कुछ हो गया है, तो उधर में कुंती महारानी रो रही है, आप इधर कुछ आंखों में आंसू लेकर बैठे हो, क्या कारण? अरे चलिए अभी आप राजा बन गए, अभी प्रजा की रक्षा करनी है, चलो अभी, अब कहां जावे, ये काले मुंह को कहां दिखावे, उनकी मनस्थिति, ये मुंह को क्या किसको दिखावे कि अपने स्वार्थ के लिए स्वजन को मार डाला, स्वजन से सब कुछ हड़प लिया, ये मुंह देखा कहां पे समाज में जाऊं। तब कहते कि हे भैया आप चलिए मेरे साथ, एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कौन व्यक्ति है? पितामह भीष्म की इंतजार कर रहे हैं। कहां पे? तो वान की सैया पे सोए हैं। और देखो युधिष्ठिर भैया हम चलेंगे ना, देखो राजा बन गए आप, और प्रजा को चलानी है, राजपाट चलानी है, इसके लिए कुछ ज्ञान भी चाहिए ना, शिक्षा चली ना, ये राजनीति तो चाहिए ना, तो चलिए हम पितामह भीष्म से कुछ ज्ञान लेकर आते हैं। जो मोह में थे और जो संशय में थे, जो शोकाकुल में थे, वही भगवान कृष्ण जान गए। और जानने के बाद उनका नाम एक है, क्या है भगवान का नाम? एक है हरि, है हरि। क्या क्या करते हरि? हमारे सारे क्लेश को पहले हर लेते हैं और प्रसन्नचित हमें परमानेंट के लिए खुश कर देते हैं। भगवान ने लिया पांचों पांडवों को और ऐसे सज धज के निकलते हैं, राष्ट्रीय ठाट बाट में निकलते हैं, आगे आगे अर्जुन का रथ और भी पीछे पीछे चल रहे हैं, और सबसे पीछे कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण हमारे सबसे रक्षा करने, अच्छा सबसे पीछे जो होता है उसे मतलब बात समझ रहे हैं, मतलब हमारा देख रेख करने वाला, पीछे कुछ भी अगर आएगा तो पहले कौन पीठ पे वार हो, किसका वार होगा? जो पीछे रहने वाले का। तो गोविंद पीछे हैं और लेकर जा रहे हैं, लेकर गए। अच्छा देखिए एक बात आ गई कि गोविंद हमेशा हमारा दुख का हरण करते हैं, हमें महसूस नहीं होता है, भक्त को तो महसूस होता ही नहीं है, बड़े बड़े कष्ट भी नहीं होता, संशय हो सकता है,
पर महसूस नहीं होता है, वो संशय तुरंत मिट भी जाता है। कब? जब हम साधु संगति करते रहेंगे तब। एक समय की बात था कि एक राज परिवार में एक बेटा था। अब वो राजकुमार क्या करने लग गया, उसे साधु की संगति हो गई। अब साधु संगति के कारण क्या करने लग गया, कुछ इस्कोन के भक्त का संपर्क में आ गए, तो उनको राजपाट में वो सब बढ़िया बंगला में थोड़ा मन उदासी होने लगा। आनंद कहाँ होने लगा, तो भक्तों के समूह में हरि कीर्तन में और बढ़िया से कीर्तन में खूब झूम झूम को नाचने लगे। एक बार हुआ, दो बार, चार बार हुआ, घर वालों ने देखा ये तो पकड़ बाबा बनने वाला है, ये घर का कुछ काम धंधा करता नहीं है, केवल बस आता है और रविवार को हफ्ते दिन काम करता है, रविवार को मंदिर भाग जाता है। तो सबने मीटिंग की क्या करना चाहिए इसका, तो लोग ने प्रपंच किया घर में, इसको निकाल दो, ये निकम्मा किस काम का, घर में रहेगा तो हिस्सा बखरा में हिस्सेदारी बनेगा, उसे निकाल ही दो इसको। अब क्या हुआ कि उसको डांटा फटकारा, बहुत बातें सुनने को मिला, कितने दिनों से मिल रहा था, लेकिन सब चीज को सहन करते हुए। चैतन्य महाप्रभु कहते ना, जो सहन करना चाहिए, कैसे, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो हरि का कीर्तन कौन कर सकता है, जो सहन करने की प्रवृत्ति बनाता है। तब एक समय ऐसा शक्ति निखरती है कि वो शक्ति शक्तिमान तक जाकर छोड़ देता है, वो घर से निकाल दिया गया। तो जब कष्ट मिलता था तो गोविंद को याद कर देते, जैसे याद कर देता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हर, जैसे हरि का नाम बोलते थे गोविंद हमेशा उसको बाहों में पकड़ ले देते और सारे दुख संताप खत्म। पर एक बार प्रश्न हुआ, भगवान से मुलाकात होती तो पूछ दिया कि मैं इतना कष्ट में रहता हूं, इतना दुख में रहता हूं, आप तो कभी दुख का निवारण करने नहीं आते, और जब आपको बुलाता हूं तभी आते हो केवल, बाकी बीच में क्या। उन्होंने कहा कि देख भाई, तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं, हमेशा रहता हूं। अभी बात करके अंतर ध्यान हुए, अपने अपने जगह पे गए। एक समय कैसी बात हो, सचमुच में झोला वोला दिया, अब तू घर से निकल चल, निकम्मा यहां कुछ काम तेरा नहीं है, निकल ही निकाल दिया, वो भी गर्मी के ऋतु में, मई के महीना में। गर्मी कभी पड़ती है, अप्रैल के बाद मई होता है ना, मई के महीना में तपती हुई धूप में, और वो भी जाने कोई साधन नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई बढ़िया रोड सड़क नहीं, कटीली झाड़ियों से निकाल दिया, और बहुत तपती नदी को पार करना था। नदी को पार करने लग गए, पार करते करते एक बात याद कर रहे थे कि गोविंद हमारे साथ है, गोविंद हमारे साथ देगा, गोविंद हमारे साथ देगा। लेकिन पार करते करते लगभग आधी दूरी नदी पहुंच गए, तपती नदी तप रहा है, एकदम आग बबूल रहा है, वैसे में पैर रख रख के आधी दूर तक पहुंचा, फिर आजू बाजू देखा तो गोविंद है ही नहीं, किधर है गोविंद, कहाँ है गोविंद, गोविंद है ही नहीं। अब मन से अधीर हो गया, टूट गया कि अब क्या करें, गोविंद तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, भगवान का नाम ले रहे, लेकिन इतनी आग उल निकल रहे, लेकिन आधी दूर तक पहुंच गए और जैसे तैसे करके पार किया। पार करने के बाद बड़ा लंबा श्वास लेते हैं और श्वास लेने के बाद फिर गोविंद को पुकारते हैं कि आपने वादा झूठा किया हमसे, झूठा वादा, कितना मेरा तकलीफ, घर वालों ने निकाल दिया, अब घर वालों ने निकाल दिया, अब इससे दुख क्या हो सकता है। लेकिन जब बाहर पार हुआ तब गोविंद आ जाते हैं, बोलो बोलो क्या हुआ, क्या हुआ, मुंह लटकाया हुआ, क्या सोच रहे हो, तो क्या सोच रहे हो, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम तुम्हारे साथ में रहते हैं, जब तुम्हारे पर आपत्ति विपत्ति आती है तो मैं हमेशा साथ में, आप कहां चले गए थे, इतना कष्ट झेला मैंने। भगवान ने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि नदी पार करोगे तो इसे तो पार करने के लिए कितना होना चाहिए, पैर चार होना चाहिए, दो पार करने वाला का और दो जो साथ देने और उनका, कितना होना चाहिए, चार होना चाहिए। अब वहां पे उल्टी बात हो गई, क्या हुई, पार करने वाला दो ही तो भगवान भी फेल, बोले जब मेरे साथ में थे आप, नदी पार कर रहे थे, लहू लुहान खून निकल रहा था, तभी जब नदी पार कर रहे थे हम, तब तो चार पैर होना चाहिए कि नहीं, लेकिन पैर तो मुझे अभी भी देख रहे, देखो छाप लगा हुआ है। अब चलो उनका हाथ पकड़ के आओ, कुछ दूरी देख दिखाने जाते तो दो ही पैर दिख रहा है। अब गोविंद फिर किनारे पर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्या जो चार चार हम लोग दो थे, लेकिन दो ही पैर क्यों रहा, चार क्यों नहीं दिखा, क्योंकि तेरे नंगे पांव थे,
तेरे कटीली झाड़ी से लहू लुहान निकल गया था और तुम टूट चुका था, घर से तो टूटा ही अब शरीर से भी टूट चुका था, लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हारे पांव को मेरे हाथ में रखा और चलने वाला जो पार नदी पार करने वाला था वो मैं था, वो तपती नदी में मैं पार किया था और तुम्हें तो अपना हाथ में मैं लेकर पार किया। भगवान ने देखा, ये हमारे गोविंद, ये है भगवान, इसलिए भक्त बनना चाहिए, इसलिए भजन करना चाहिए। भले एहसास न हो, महसूस होता है आज भी, तो ये कब होता है, लब मात्र साधु संगत है कि नहीं। आज श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमें जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ की रचना करके दिया है, किसके लिए दिया है, ये जीवन के मेनू है, ये जीवन को चलाने के, शरीर को चलाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, कि हमारा मार्गदर्शक क्या है, ये ग्रंथ क्या करता है, हमें मार्गदर्शन करके, मोटिवेट करके भगवान तक जाकर छोड़ देता है, फिर हमारा जीवन सफलता की ओर जाता है, सफलता की ओर। तो हम मंदिर आते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, अरे मांगो, मांगना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए, लेकिन असली हमारे साधु संगति का लाभ लेना चाहिए। किस चीज का, साधु संगति का, है कि नहीं। आप याद है जब रामचरितमानस, जो को 22 तारीख को होने वाला है बड़ा उत्सव, तो उस बात में देखिए, मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, और सीखना चाहिए हमें उस केवट के प्रसंग से सीखना चाहिए। जब रामचंद्र जी पार करते हैं, नदी पार कर गए, और पार करने के बाद क्या करना चाहिए, जब कोई हमें ऑटो रिक्शा से छोड़ दिया गंतव्य, क्या दोगे, मजदूरी दोगे कि नहीं, जो किराया बोलते हैं देना पड़ता है कि नहीं। जब वो पार किया, पार करने के बाद फिर क्या हुआ, पार करने के बाद प्रभु राम जी को बहुत लाज शर्म से, इतने पसीने आ गए, आंखों में आंसू, आजू बाजू देखा, तूने साधु वस्त्र के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं दान देने के लिए, वाह रे वाह भगवान वाह, जो जगत के नाथ है, जो जगन्नाथ है, जो दुनिया का भरदार है, भरण पोषण करने वाले हैं, आज वो एक नाविक को देने के लिए दो कौड़ी की उसको कमाई पूरा करने के लिए है ही नहीं, इतनी बड़ी विडंबना। लेकिन मानना पड़ेगा हमारी माता जानकी को कि प्रभु जैसे इधर नजर किया और दूसरी बार ऐसे नजर किया कि माता जानकी एक अंगूठी सोने की अंगूठी पहनी थी, वो निकाल के प्रभु के हाथ में चुप चाहती। आज की पत्नियां देखो, आज तुम बड़े मुसीबत में फंसे थे, सोने की अंगूठी दे रही हो, डायमंड की अंगूठी वापस चाहिए, लेकिन माता जानकी के आचरण व्यवहार से हमें शिक्षा क्या मिलता है। जब सात फेरे लेते हैं उसमें शिक्षा क्या मिलती है कि मर तो मर जाएंगे, लेकिन मरना भला है, हम पति के सेवा में मरेंगे, पति ही हमारा परमेश्वर बन के रहेगा, ऐसे हम दासी बन कर रहेंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, ये माता जानकी कहती है, माता जानकी। अच्छा, बीच में क्या घटना घटती है कि जब केवट बड़ा बदमाशी कर रहा था, कौन सा बदमाशी, हाँ, कठत्व ला रहा है तो समय निकाल रहा है, नाव ले जाने के इधर तो उधर, तो लक्ष्मण जी तो गुस्सा। अब लक्ष्मण जी इतना तमतम आ रहे हैं, तमतमाने में हुआ क्या, और राम जी मुस्कुरा रहे, एकदम विरोधाभास। लक्ष्मण को गुस्सा एड़ी से चोटी तक, और राम जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, राम जी क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि आनंद के गंध मूर्तिमान स्वरूप हमारे राम जी है। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, आनंद के मूर्तिमान घन स्वरूप है। तब लक्ष्मण जी के मुंह टेढ़ा देखकर राम जी ने पूछ दिया, केवट बदमाशी कर रहा था। बोले लक्ष्मण, इतना गुस्से में क्यों हो, अब गुस्सा में नहीं रहे तो क्या रहूं, आपके जितने भक्त मिलते सब ऐसे ही मिलते हैं, सब टेढ़ा ही मिलते हैं, सब समय टाइम ही वेस्ट करते हैं। राम जी ने मुस्कुराते हुए क्या, उन्होंने क्या बात कही मालूम, लक्ष्मण हमारा यात्रा ही शुभ मुहूर्त बिगड़ गया था। वो कैसा, बोलो जब से हमारी यात्रा चालू हुई तभी से हमारा मुहूर्त बिगड़ गया था। बोलो कैसा, बोलो देखो बनवास किसको हुआ था, मुझे, मैंने तुझे रोका था ना। बोले हाँ, तो तूने बात मानी, अब मुंडी नीचे। बनवास किसको हुआ था, मुझे, जानकी को मना किया था ना, ये भी जिद में तुम भी जिद में, तो हमारा शुरुआत ही तो हुआ टेढ़ा टेढ़ा भक्तों से साथ में।
तो अभी राशन तो इसी भूख तो मतलब एक का हमारे बिहारी भाषा में कहावत है कि पहला पुआ टेढ़ा तो लड़कर के भी भाग हुआ, तो अपने वो टेढ़ा हुआ वो अच्छा हुआ जो लक्ष्मण जी नहीं माने। अगर नहीं माने होते आज इतनी बड़ी कहानी नहीं होती, इतना आनंद नहीं आता जो वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं, कि नहीं। तो राम जी बड़े संकोच में, अब आंखों में आंसू, अंदर हृदय से भी रो रहे हैं, लेकिन बेचारा केवट को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन्य है माता जानकी अपने पति को सहायता करने के लिए। उनके हाथों में अंगूठी, और जब केवट को अंगूठी दे रहे हैं तो केवट क्या कर दे, साक्षात मना कर दिया। पर केवट, अरे तेरी मेहनत की कमाई, इस मेहनत के कमाई से तेरे बच्चे की परवरिश होगा, तेरा घर चलेगा, ले ले भैया, तू नाविक है और तू तेरा भरण पोषण होगा। अब केवट क्या कर, देखिए अकड़ जाता ही नहीं केवट की। भगवान के भक्त के बीच में इतना प्रेम होता है ना, वो अकड़ नहीं है, प्रेम प्रदर्शित करता है कि केवट बड़ी बातों में आ जाता है, भाव में आ जाता है। प्रभु आप क्या समझते, आप भाव सागर पार करने वाले हो तो मैं भी नदी पार करने वाला हूं। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये अकड़ नहीं है कि तुम भगवान हो तो मैं भी छोटा भगवान, ऐसा नहीं कहना चाहते। वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारा और तुम्हारा बिजनेस एक ही है। क्या बिजनेस है, तुम भव सागर को पार लगाते हो और हम नदीलाल को पार कराते, दोनों पार कराते हैं। तो इसमें मित्रता में कहां का पैसा, लेन देन का हिसाब किताब हम नहीं लेने वाले, प्रभु आप रखिए ना। तो तुलसीदास गोस्वामी जी बड़ा सुंदर रचना किया है, क्या कहते हैं, केवट रो रोकर अब चरण पकड़ता है प्रभु, हे नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारुण दावा, हे नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारुण दावा, फिरती बार मोहे जो कछु देवा, सो प्रसाद हरी सिर धरी लेवा। प्रभु अब इसमें भी देखिए भक्त का क्या छुपा हुआ है, मांगिए, मांगना चाहिए, पर क्या मांग रहे हैं, फिरती बार मोहे, कभी प्रभु आप जाइए, आप बिंदास होकर जाइए, दास की बात को स्वीकार करिए, आप यात्रा को सफल करिए, परंतु एक बात ध्यान रखिए, देना होगा ना तो फिरती बार मोहि दर्शन वापिस जरूर दीजिएगा, और जो दे दोगे वो मैं रख लूंगा। ये भगवान के भक्त, इसलिए मंदिर आना चाहिए, मांगना चाहिए। अब यहाँ पे सुंदर बात कहते हैं कि अहो पितामह भीष्म कह रहे हैं, जब गए भगवान कृष्ण लेकर गए पांचों भाई को, वहां पर लेकर जाते हैं और जब नजदीक बिठाते हैं, तो बिठाने के बाद जैसे पितामह भीष्म को पता चला कि हमारे पांच पुत्र आने वाले हैं, और जैसे पता चला पीछे कौन है, साक्षात कृष्ण है जिसका इंतजार था मुझे। तो जैसे ही हरि बोल, सभी लोग से निवेदन है कृपया करके बैठे रहिए, प्रसाद चालू नहीं होने वाला है, जब तक प्रवचन खत्म समापन नहीं होगा तब तक प्रसाद नहीं चलेगा। और कुछ देखिए मर्यादा का पालन करना चाहिए, जब यहाँ बैठे हैं तो बस 5-10 मिनट खत्म होने वाली कहानी, तो बैठिए इसका पूरा पूरा फायदा लीजिए। आज इतने महंगे मंदिर, लोग कहते हैं, हाँ मैं परसों ही सुन रहा था, अरे 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 आप लोग मंदिर के पीछे क्यों पागल हो, राम जी के मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, राम जी के स्कूल बनना चाहिए था, इतने बड़े मंदिर के पीछे क्यों पागल है दुनिया। उनको पता नहीं है कि एक मंदिर से लाखों लोगों को शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, कि सुसाइड करने से, अपने सुसाइड आत्मघाती बनने से बच जाते हैं। आज सब सारे भक्त लोग, प्रभु जी माताएं लोग क्या कर रही हैं, पूरा मैराथन, पूरा ये दिसंबर का महीना में क्या किया, अपने काम काज को छोड़कर, परिवार बच्चों को त्याग कर, और घर घर जाकर भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। सोचो, मंदिर नहीं होता, ये संगत नहीं मिलता, ये ज्ञान कहां से आता, ये लाज शर्म कहां से त्यागते, और कहां से समाज के पीछे जाते। आज जो बड़े बड़े सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईफाई फैमिली सुसाइड कर रहे हैं, सब कुछ से टूट रहे हैं, उनको ज्ञान कहां से मिलता, ये मंदिर नहीं होता तो उनको ज्ञान कहां से मिलता। सोचिए सोचिए, ऐसे मूर्खों को जवाब देना चाहिए। मंदिर इसलिए आवश्यकता है, बहुत जरूरी है मंदिर, और मंदिर नहीं है तो मन को शांत करने वाला कौन मिले, कहां मिलेगा। तो जब गए तो पता चला पितामह भीष्म को कि अरे अरे हमारा पौत्र आ गया, पौत्र आ गया,
और उनके आंखों में प्रेम की अश्रु और फफक फफक कर रोने लग गए। और जब पता चला कि गोविंद पांच पांडव को लेकर जा रहे हैं कहां पे, जहां पे पितामह भीष्म बाण के सैया पे सो रहे हैं और करा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करा रहे। तब वहां पे बड़े बड़े देवी देवता त्रिमुनि पर्वत मुनि व्यास देव नारद मुनि बड़े बड़े कश्यप मुनि बड़े बड़े देवता वहां पे परिवार सहित वहां पे आ रहे हैं, कहां, जहां पे पितामह भीष्म का अंतिम शरीर का त्याग होने वाला है। अच्छा वो लोग क्यों आ रहे हैं कि पितामह भीष्म भगवान के 12 महाजन्म के महाजन है, बड़े प्रतापी ज्ञानी है, भगवान के परम भक्त होने के नाते सारे साधु संत वहां आशीर्वाद देने के लिए और दिव्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उनका उनकी क्या बात थी कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़ा संयोग बना और सब लोग उस संयोग का साक्षी बनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता इस धरती पर उतर गए। और उतरने के बाद फिर क्या हुआ, जब देखा पितामह भीष्म ने, भगवान की बात दिमाग से निकल जाती है और जब अपने पांच पुत्र पौत्रों को देखा तो बड़े आंखों में प्रेम की आंसू आ जाते, और भगवान समझ गए कि अब इनकी प्रेम के आंसू क्या है, किस बात से है। तो पांचों भाई को पहले युधिष्ठिर महाराज को भगवान अगुवाई करते हैं कि आप जाइए पितामह भीष्म बहुत दुखी हैं, उनके नजदीक जाइए। और जब गए तो पितामह भीष्म ने वैसे युधिष्ठिर महाराज को और एक बार अर्जुन को हाथ हाथ रखते हैं और रहने के बाद खूब रोने लग जाते हैं और रो रो के कहते हैं, क्या कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यम धर्म अनंत, हे मेरे बेटा हे मेरे पुत्र तुम दुख के लायक नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि यद्यम धर्मनंदना, तुम धर्म के साक्षात पुत्र हो, धर्मात्मा हो, तो धर्म करने वाले को दुख किस बात से। लेकिन बेटा बहुत दुख मिला, वो मैंने देखा है, मैं सामने सामने दुख देखा हूं कि तुम्हारे जीवन में जघन्य दुख तुम सबको मिला। जब से तुम्हारा पिता का देहांत हुआ तब से अनेकों प्रकार का कष्ट मिला, क्लेश मिला, छल मिला, कपट मिला, तिरस्कार मिला और भटकना पड़ा, बार बार भटकना पड़ा, बहुत कष्ट जो नहीं मिलना चाहिए था। क्यों, क्योंकि तुम धर्म, कहते कि धर्मनंदना धर्म के पुत्र हो। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि साक्षात धर्म के पुत्र हो, लेकिन जीवित रहने के लिए जब इतने कष्टों के बाद भी तुम जिंदे हो, तुम सब जिंदे हो और तुम्हारे सर पे राज मुकुट आया है, इतनी खुशहाली आई है, उसका तीन ही कारण है। तीन कारण, क्या कारण बताते हैं, तो कहते हैं विप्र धर्मान अच्युत आश्रय। विप्र मतलब ब्राह्मणों, विप्र मतलब ब्राह्मणों। देखिए यहां पे आप तात्पर्य में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात, ब्राह्मण की परिभाषा आती है यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन अभी हम जी रहे हैं कौन सा कलयुग में जी रहे हैं, तो ध्यान रहे ब्राह्मण को भेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु असली ब्राह्मण की बात कर रहे हैं और जो भगवान के रियल में तत्ववेता ज्ञानी है जीव, वही असली में तत्ववेता ब्राह्मण है और ऐसे भक्त का संगत की बात हो रही है यहां पे। कहले बेटा तुम साक्षात धर्म के पुत्र हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आया। देखिए हम लोग छोटा मोटा धर्म का पालन करते हैं और भगवान को कोसना चालू कर देते हैं। हमारी कहां गिनती है बताइए, कहीं गिनती नहीं है, अभी कका का कभी नहीं जानते भक्ति में, फिर भी हम बहुत कुछ चाहते हैं, कैसे संभव होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ठाकुर जी के दरबार में आ गया, एक कहावत है ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया। पूरे संसार कोटि कोटि ब्रह्मांड पुजारी बना हुआ है, पूजा करने के लिए भगवान के दरबार में खड़ा है। क्यों, चाहे अगरबत्ती चला के कुछ मांगने की कोशिश करता है, पर क्या है, मांगना किससे है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दाता जो है कौन है, गौरचंद्र भगवान है की गौरंग महाप्रभु सबसे बड़ा दानी। और क्या देने वाले, सबसे बड़ी असली औषधि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पितामह भीष्म कहते बेटा, और रोते रोते, बेटा तू अगर बच पाया ना, तुम जीवित हो ना तुम सब आज, तो तीन ही व्यक्ति के कारण तुम जीवित हो,
तीन कार्य के कारण तुम जीवित हो। क्या क्या? कहते के विप्र धर्म, विप्र ब्राह्मणों की संगति तूने किया, ब्राह्मणों को शिक्षा किया, ब्राह्मणों के अनुगत्य में रहा, ब्राह्मणों से मार्गदर्शन लिया, भक्तों के यानी ब्राह्मण मतलब भक्त, भक्त के अनुगत्य में जब रहा तो तुम्हें ऐसी शिक्षा मिली, ऐसे मोटिवेशन मिला कि तुम अपने आप को संभाल पाया, न तुम तो कब का टूट जाते बेटा, भले धर्मात्मा क्यों नहीं था। हमारा भारत भूमि सब पूरा धर्म से भरा हुआ है, पर फिर भी श्रील प्रभुपाद महाराज ने 70 साल के आयु में इतनी बड़ी तपस्या क्यों की? उनको पता था कि धर्मात्मा केवल ये तिलक खाली रह जाएगा, कपड़े रह जाएंगे, ऊपर आवरण से पूरा सोना के परत चढ़ जाएंगे, लेकिन सोना के परत किस में चढ़ा? लोखन में चढ़ेगा ना, तो असली पीठ दिखाई दे ही देता है। वो लोखन कब कब चरमरा जाएगा, कब जंग लग जाएगा, वो सोना को भी तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए ऊपरी आवरण से नहीं, बाहरी आवरण से नहीं, जब तक अंतःकरण के जो परत को सोना से नहीं मढ़ोगे, डायमंड से नहीं मरोगे, तब तक असली लाभ असली आनंद नहीं ले पाएंगे। और अंतःकरण की सफाई करने के लिए क्यों उपाय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पे कहते कि बेटा तुम सबके जीवन में इतना दुख तो कभी मैं सोच नहीं सकता था, इतने दुख मिले। और पूरी सभा में सब लोग खड़े हैं, सारे वेद व्यास जी, कश्यप मुनि, अत्रि मुनि, पर्वत मुनि, नारद जी, बड़े बड़े देवी देवता कान खोलकर एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। किनका उपदेश? पितामह भीष्म का उपदेश कि बेटा तुम आज रक्षित हो, तुम्हें कोई बाल बांका नहीं किया, दुख आया और इतने दुख आया कि तुम्हें बचना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, तिस पे भी तुम बच पाए। एक ही कारण है, वो कारण है कि तुम्हारे साथ में कौन? भक्त लोग रहे। अब पांडव साथ में रहे ना, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भक्त लोग रहे ना, मार्गदर्शन करने वाला कुल पुरोहित भक्त लोग रहे इस वजह से। और फिर कहते हैं कि धर्म के साथ तूने हमेशा जुड़ा रहा। धर्म क्या है? क्या है धर्म? जो भगवान कहते ये करना है ये नहीं करना है, इसका जो पालन करते वही धर्म पालन कर रहे, वही धर्म है। तो जीवर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम दास दासी बने रहे भगवान के सेवा के लिए, यही हमारा मानव जीवन का धर्म है, यही धर्म है। फिर कहते हैं कि अच्युत आश्रय, क्या करें? अच्छा, तुम सुरक्षित हो, तुम लोग इतने कष्ट के बाद भी जो खत्म हो चुके थे फिर भी तुम्हें जीवन में हरियाली आ गई है, तीन ही कारण है, वो भक्त है जीवन में, धर्म का पालन किया, और तीसरी बहुत मुख्य बातें कहते हैं कि अच्युत आश्रय। अच्युत कौन है? भगवान कृष्ण। अच्युत मतलब आ मतलब नहीं, अच्युत मतलब गिरना, जो कभी गिरते ही नहीं है, जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, वो हमारे गोविंद श्री राधा की भगवान की। तो तुम्हारे साथ में कृष्ण है, समय हमेशा साथ में रहे, इसलिए बेटा तुम्हारी हमेशा रक्षा हो पाए। और इतना कहकर उनको शांत किया, उत्साहित किया। देखा पितामह भीष्म ने कि अभी अभी राजकार्य संभाला है, अब इसको उत्साहित करना चाहिए, उत्साहित किया। बड़े उनको थोड़ा जो अंदर की बहुत दुख तकलीफ था वो थोड़ा ठंडा हुआ और शांत हुए। और तब तक पितामह भीष्म ने गोविंद को बुलाया और बोला कृष्ण कृष्ण आप मेरे सामने खड़े रहिए। कृष्ण आप वही हो ना, आप वही हो ना जो परम सखा के साथ में अभी जो आए ना, यही सखा के लिए तो आपने युद्ध के मैदान में जाना तय किया था ना, नहीं तो आपने तो कह दिया था दुर्योधन को, देखो भाई मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, मैं तो निहत्ता रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं निहत रहूंगा, तो निहत्ता रहूंगा मतलब मेरा कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं। अब कृष्ण जब सामने आते हैं तो पितामह भीष्म के आंखों में आंसू तीव्र गति से छलकने लग गया और कहते कृष्ण आप वही हो ना जो आप अर्जुन के सखा हो और अर्जुन के कहने के बाद आपने रथ को बीचों बीच लेकर खड़ा कर दिया था, आप वही हो ना। और इतना ही नहीं, कृष्ण आप अपने मित्र की रक्षा करने के लिए, मित्र की सहायता करने के लिए आपने अपना जीवन कभी परवाह नहीं किया। वो याद दिला रहे पितामह भीष्म और बड़े रो रहे हैं और सारी शिक्षाएं मिल रही है, कृष्ण आप वही हो ना कि जब मैदान में और मैंने प्रण ठाना था, किस बात से? दुर्योधन का वचन दिया था कि कल
महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा, कल समाप्त कर दूंगा। लेकिन हुआ ऐसा कि आपने वो अर्जुन के रथ उस तीव्र गति से चला रहे थे, उस दिमाग से चला रहे थे, उस चतुराई से चाहक रहे थे। तो एक संत लिखते हैं कि कौन सी चतुराई की बात हो रही है, कौन सी चतुराई की बात हो रही है? तो कह रहे हैं कि प्रभु आप अर्जुन के आवाज पे नहीं, अर्जुन तो बिजी था बहुत बाण चलाने में, इधर मारना उधर मारना बहुत बिजी था, अर्जुन खुद को संभाल रहा था, सामने पर प्रहार कर रहा था, लेकिन प्रभु आप कितने बिजी थे। किस बात से? तो एकदम दिमाग से परफेक्टली एकदम रथ को चला रहे थे, उड़ा रहे थे। बोले वो कैसा? बोले कि देखिए जब अर्जुन तो समझ में नहीं आया, सारथी तो ड्राइवर तो बन गए, अबे रथ किधर लेके जाना है भाई, जिसके लिए सारथी बने ड्राइवर बने हैं तो मालिक को सुरक्षित करना है ना, रक्षा करना है कि नहीं। तो मालिक को रक्षा करने के लिए आपने अर्जुन को रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया। वो कैसे? आपने सारा नियम कानून को ताके पर रख दिया, आपने सारा अपना इज्जत को नीलाम कर दिया कि मैं भगवान हूं करके, ये परिभाषा ही खत्म कर दिया आपने। क्यों भगवान क्या परिभाषा है? राम जी कहते हैं राजा दशरथ को, रघुकुल रीत सदा चलिया आई, रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज उस कुल से होने के नाते, आज उस मर्यादा होने के नाते आपने सारा नियम कानून को तोड़ दिया। किसके लिए? अपने प्रेमी भक्त की सेवा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। प्रभु आपने अर्जुन को बताया था ना, किस बात से बताया था? कि अर्जुन देखो मैं तो आगे बैठा रहूंगा, तुम पीछे रहोगे, सारे दुश्मन तुम्हें दिखाई देंगे, मुझे क्या मालूम तुमको किसको मारना है, कैसे पता चलेगा? जो अर्जुन बोला हाँ सही बात है, कैसे मैं बताऊं क्या कैसे मारूंगा? बोला देख तुझे बाईं ओर जाना होगा तो तेरा लात जो है ना मेरे बाएं कंधा पे मारना, और मुझे दाईं ओर जाना होगा ना तो तेरा कंधा दाएं पर मुझे लात मारना। तो मैं समझूंगा कि दाईं ओर जाना है, और जब सीधा चलना होगा ना तो दोनों पैर मुझे पीठ पे मारना ताकि मैं सीधा चल पाऊं। वाह रे गोविंद वाह, ये है भगवान अपने भक्त के खातिर। किसके लिए कर रहे हैं? अपने भक्त के खातिर कर रहे हैं, अपने प्रेमी भक्त के मित्र के खातिर कर रहे हैं भगवान। क्या जूता लात भी सह रहे, हमें लात नहीं सहना है, परंतु याद रखिए भगवान आपके लिए हमेशा तत्परता से खड़ा रहते हैं। कब? जब हमारे जीवन भगवान है तो कोई बाल बका कर नहीं सकता है, सवाल ही नहीं। इसलिए इसलिए हरिनाम करना चाहिए, इसलिए मंदिर आना चाहिए, इसलिए भक्त बनना चाहिए। अच्छा भक्त बनने क्या पहचान है? छोटा सरल विधि है, बस लहसुन प्याज कांदा लहसुन छोड़ दो, चार चीज नहीं करना है, बाकी करना है कि नहीं। और अपना जो मानवता का जो सबसे बड़ा श्रृंगार करने का मौका मिला, ललाट मिला है, उस पर उधर पुण्य तिलक लगा दो और गले में कंठी माला पहन लीजिए। मतलब ये हाँ कंठी माला पहनने से क्या मालूम है, ये बात याद आई, बस ये समापन करता हूं। ये क्या है? ये हम लोग पहने कंठी माला है कि नहीं? ओ कुत्ता के भी गले में कभी कभी होता है माला, एक होता माला हो। देखा आपने कुत्ता का गले माला देखा है कि नहीं? कुत्ता गले माला नहीं देखा आप लोग ने? अरे पट्टा बोलते हैं, पट्टा ये माला वो पट्टा, अरे वो भी माला ही है। अच्छा याद रखिए ये बात, सोचिए किसको पहनने से क्या बनते हैं? हम भगवान के दास, यानी दास बनने मतलब हम रक्षित है, कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। यहां पे ना एक के 47 में घोड़ा दबाते रहे, दबेगा ही नहीं। अरे भाई हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, कोई बॉडी से हमसे मरना चाहे है कि नहीं। परंतु एक बात आ रही है कि आप अजमा लेना कभी, हमें कोई गलत काम करना नहीं, परंतु भगवान रक्षा हमें आके करीब से करते हैं, जैसे अर्जुन को किया भगवान ने। तो गले में हम जब ये माला पहने हैं तो हमेशा हमें रक्षित समझना चाहिए। कैसे? जैसे एक घर में कुत्ता होता है, कुत्ता कुत्ता कितने कितने घर में कुत्ता है बताए? हाँ ईमानदार से बोलिएगा, किनके घर घर में कुत्ता है? एक हुए और बस कोई बातचीत नहीं, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। तो देखिए जिनके घर में कुत्ता है उनके घर में क्या होता है? पट्टा होता है कि नहीं? क्यों पट्टा होता है? बड़े प्यार मोहब्बत से उसको रखते हैं, इज्जत से रखते हैं। और जब कुत्ता कहीं बाहर पड़ोसी सोसाइटी में निकल गया, रोड पे चला गया, तो सब देखते रहते हो, भाव भाव करेगा फिर भी चुचा, भाव भाव करेगा फिर भी चुचा भागाएगा, डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके गले में क्या है? पट्टा। तो पट्टा जिसके गले में वो क्या हो गया? पालतू। क्या हो गया? और जिसके गले में पट्टा नहीं वो, जोर से बोलिए ना, शर्माते क्यों है? जिसके गले में पट्टा है वो क्या हो गया?
और जिसके गले में पट्टा नहीं वो जोर से बोलिए, मैं सुन तो कम सुनता हूं आजकल, जिसके गले में पट्टा है वो क्या कहलाते हैं है? और जिसके गले में पट्टा नहीं वो, मैंने कहा था कि आप ही लोग कहें। वैसे ही पालतू को कोई डांटता भी नहीं है, आंख भी नहीं दिखाता है, न उसका मालिक आंख ही निकाल लेगा उसका, है कि नहीं? वैसे ही जब हम भगवान के ये तुलसी महारानी का पट्टा माला पहन लेंगे ना, तो हम भी बन जाएंगे, और नहीं पहनेंगे तो हम कितना खतरा है कि नहीं खतरा? तो हमें पालतू बनना है कि फालतू बनना है? आज के प्रसंग से अगर कुछ बात समझ में आई होगी तो मैं तो यही बोलता हूं, शुभ काम में देरी नहीं, नीचे स्टॉल है और लीजिए, आज प्रण लीजिए कि राम जी के भव्य तैयारी करेंगे 22 तारीख को तब, और राधा गिरधारी में बहुत आयोजन होने वाला, प्रभु जी बताएंगे अभी सब लिस्ट बता देंगे, अभी बड़ा आयोजन होने वाला है, और इसमें साक्षी बनकर कब तैयार होंगे? जब हम बनेंगे पालतू। फालतू लोग काम नहीं है, फालतू लोग बकवास करते चल रहे, तो पालतू बनिए, प्रेम से बनिए, कोई जबरदस्ती नहीं, और प्रेम से अगर बने अनुभव करिए जीवन में, फिर आनंद ही आनंद आएगा, और जीवन को आनंद में हमेशा लेकर और गोविंद के शरण में रखेंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तीन बातें आज शिक्षा मिली, क्या कि हम भागवतम से कि भक्त का संगत, धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए, और भगवान को अपने जीवन में धारण करके रखें, ये जीवन करने से हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जरा बैठे रहिए आराम से, दो मिनट सूचना सुनिए, फिर दरवाजा खुलेगा। सबसे पहले माता जी जाएगी, बाद में प्रभु जी जाएगी जाएंगे, तब तक कीर्तन चालू रहेगा। एक मिनट सुनिए, अरे प्रभु जी रुके, दो मिनट रुको। एक बार प्रभु जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आभार प्रदर्शित करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अचिंत्य चक्र प्रभु भाईंदर में बहुत सुंदर उनका डीसी ग्रुप चलाते हैं, तो वहाँ के अगर कोई यहाँ पे होंगे उपस्थित तो उनसे हरे कृष्णा। तो अभी माता जी धीरे धीरे जाइए, गर्दी मत कीजिए, प्रभु जी रुक जाइए, पहले माता जी को जाने दीजिए। हरि बोल प्रभु जी, आप रुक जाइए यहाँ पे कीर्तन करके, प्रभु जी कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।